उधर जिला दंतेवाड़ा में पुलिस और आम जनता में बेहतर संबंध स्थापित करने को लेकर पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा सिद्धार्थ तिवारी ने नक्सल प्रभावित ग्राम रेवाली का दौरा किया। ग्रामीणों से मिलकर उनको शासन की योजनाओं के बारे में अवगत कराया, उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। इधर दूसरी तरफ ग्रामीण अपने बीच पुलिस अधीक्षक को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। ग्रामीणों ने अपने साथ पुलिस अधीक्षक को एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए भी बुलाया। तो पुलिस प्रशासन की इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि जो ग्रामीण कभी पुलिस को देखते गांव छोड़कर भाग जाते थे, उन्हीं ग्रामीणों के बच्चे आज सेना में भर्ती होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वापस आते हुए पुलिस अधीक्षक ने अंदरूनी क्षेत्र में बन रही सड़कों का निरीक्षण भी किया और जवानों को दिशा निर्देश दिए। दंतेवाड़ा की पुलिस और दंतेवाड़ा का जिला प्रशासन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि क्षेत्र के अंतिम छोर तक और अंतिम व्यक्ति तक छत्तीसगढ़ शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो मुख्य धारा से हमारे जोड़ने की एक पहल है, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो विश्वास की बात हो या रक्षा की बात हो, हम वहाँ तक उसको पहुँचाएँ। और हमारा यही एक लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुख्य धारा से जुड़ें, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो अन्य नीतियाँ हो, उन सबका लाभ उनको मिल सके। जी बिल्कुल, क्योंकि दंतेवाड़ा एक ऐसा नक्सल प्रभावित ज़िला था, मैं स्वयं जब एडिशनल एसपी के तौर पे गश्त करता था, गांव में जाता था, तो गांव से लोग पुलिस को देखते ही गाँव खाली कर देते थे, भाग जाते थे। मुझे बताते हुए ये हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि मेरे पूर्वज एसपीओ के द्वारा आईजी सर के मार्गदर्शन में इस तरह के कई सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए गए हैं, जिससे आज पुलिस की एक बेहतर छवि जनमानस के मानस पटल पर अंकित हो रही है। हम जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं और हम ये चाहते हैं कि जनता को जो शासन की मंशा अनुरूप जो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ है, क्षेत्र में शांति हो, विकास हो और एक सुरक्षा का भाव रहे, इसी के लिए हम तत्पर भी हैं और प्रतिबद्ध भी हैं।